corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. क्या मानसिक रूप से कमजोर बच्चे ओलंपिक्स के खिलाड़ी हो सकते हैं? जी हाँ, ये बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ी हो सकते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स मेंटली डिसेबल बच्चों के लिए हर 4 साल बाद इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है, जिनमें ये बच्चे अपने टैलेंट और अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं। स्पेशल ओलंपिक फेडरेशन हर साल मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए नेशनल कोचिंग कैंप लगाता है। इस कैंप में इन बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और कोचिंग दी जाती है। इस साल ये कैंप हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आयोजित किया गया। इस कैंप में 240 बच्चों ने हिस्सा लिया और ये बच्चे भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए थे। इस तरह के कैंप में बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए तैयार किया जाता है। They are very important for society also, because they are the part of society, and I think we should bridge the normal and the special children together so we can create a very good society. इस वर्ष का नेशनल कोचिंग कैंप क्रिकेट पर आधारित था। इस कैंप में इन बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया गया। इन बच्चों को सिखाया गया कि बैट कैसे पकड़ते हैं, बैट कैसे चलाते हैं, बॉलिंग करना, फील्डिंग करना, यानी क्रिकेट के सारे गुण सिखाए गए। ये बच्चे क्रिकेट सीखना चाहते हैं और इन्हें क्रिकेट सीखना और खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस कैंप में आकर वे बच्चे बहुत खुश हैं और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप विदेश गए थे? हाँ। क्यों? मतलब पहले बेंगलोर गए, तो बेंगलोर में ट्रेनिंग कैंप हुआ, तो वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ से फिर 95 अमेरिका गए थे, वहाँ पे 500 मीटर की 100 की रेस थी, उसमें गोल्ड मेडल मिला था। 500 मीटर की जो दूसरी रेस थी उसमें 500 मीटर वो भी 100 की थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। मेरे साथ एथलीट आए हैं, 10 एथलीट आए हैं जैसे कांगड़ा से, जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और ये बच्चे आगे चल के भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं अगर मेरे अच्छी कोचिंग दें। ये बेचारे नहीं हैं, हमें इनकी एबिलिटी को जान के इनके साथ काम करना चाहिए, और यही काम अगर हम करते रहे तो ये बच्चे इंटरनेशनल लेवल से गोल्ड मेडल लेके आते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल बच्चे भी लाने में पीछे रह जाते हैं। क्या इन बच्चों को देखकर आपको ये लगा कि ये बच्चे किसी सामान्य बच्चे से कम है या मेंटली चैलेंज्ड है? नहीं, अगर ज़रूरत है तो इन बच्चों की एबिलिटी और टैलेंट को पहचानने की और उसको एक सही दिशा प्रदान करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की। इंडिया अनहर्ड के लिए प्रतिभा रोल्टा, सोलन, हिमाचल प्रदेश से।